गाड़ी की कंडीशन जो है ना बिल्कुल ओके होना चाहिए। आपको इस गाड़ी लेने से फायदा क्या हुआ है? तो कुछ फायदा नहीं हुआ। कस्टमर जो है आधे रास्ते से उतर गया, बोला भाई तुम्हारी गाड़ी स्पीड में ही नहीं चल रही है। तो ये जो है जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी दिलाए हुए जो है 1.5 महीना हो गया है, इसमें जो है बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट में देखा और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मैं बातचीत किया, तो वो बोले कि भाई जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये जो है नहीं लेना चाहिए क्योंकि बकवास है। ठीक है, बिल्कुल बकवास है। तो 1.5 महीने से चला रहे हैं, तो जो चला रहे हैं हम उनसे जो है सारे जानकारी लेंगे कि क्या नुकसान हो रहा है और क्या उनको फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अगर आप जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहते हैं तो आप जोमेटो हो गया, स्विगी का अभी फ़िलहाल नहीं पता, जोमेटो हो गया, उबर, रैपिडो, पोर्टर, ये सब में आप जो है ज्वाइनिंग करके इसमें काम कर सकते हैं। अगर मैं रेंट की बात करूं तो रेंट आपका लगेगा अगर 600 से नीचे का काम कर, जो अभी उबर का हिसाब किताब चल रहा है, अगर 600 से नीचे का अगर आप काम करते हैं तो आपका 200 रुपया रेंट जाएगा। अगर 600 से ऊपर का काम करते हैं, 600 प्लस काम करते हैं, तो आपका 30 रुपया जो है पर डे का लगेगा, जो 10 दिन में या 8 दिन में ऐसे ही माइनस किया जाता है। ठीक है, आपके अकाउंट से ही माइनस कर लिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग का जो है जो सिक्योरिटी पेमेंट है, ठीक है, वो 3000 रुपया लगा था, जो नॉट रिफंडेबल है, मैंने वो रिफंड आपका नहीं होगा। आप बात करते हैं कि जो गाड़ी चला रहे थे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उनसे बात करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना। तो ये हमारे जो है गोलू जी हो गए और 1.5 महीना हो गया इनको गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, सबसे पहले गोलू जी ये बताइए आप कि आप जो है इसमें आपको क्या दिक्कत हो रहा है? सबसे पहले हम दिक्कत की बात करते हैं। तो यही है इसमें जो रेस नहीं भाग रही ना, ये मुट्ठा भी कर जाता है, देखो आपके सामने ही है। अच्छा, ये दो चीज प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं ना तो आपको दो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। गाड़ी की कंडीशन जो है ना बिल्कुल ओके होना चाहिए। जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं ना उसका जो कंडीशन है वो ओके होना चाहिए, वो चेक कर लो आप। ठीक है, दूसरी बात जो इसकी गाड़ी की स्पीड है वो जो है लास्ट कितना तक जाती है? 22 तक। लास्ट जो है 22 तक जाती है। तो आपको जो है गाड़ी लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गाड़ी की स्पीड है वो कम से कम 35 या 40 तक जानी चाहिए, नहीं तो अगर आपके पास ऑर्डर आएगा तो पहली बात अगर ज़्यादा दूर का ऑर्डर रहा तो दिक्कत क्या होती है गोलू जी? क्या होता है दिक्कत? दिक्कत होता है कल बोलकर नोएडा जाना है 45 में, इसमें चलती नहीं इतनी सवारी बीच में। इनके साथ एक बार सीन क्या हो गया था, कस्टमर जो है आधे रास्ते से उतर गया, बोला भाई तुम्हारी गाड़ी स्पीड में ही नहीं चल रही है, उतर जाता हूँ यार मैं, कोई और बुक कर लूंगा। उसको जाना छतरपुर मंदिर है, हाँ। तो बीच में उतर गई हूँ। तो क्या होता है ना कि अगर गाड़ी की स्पीड कम है तो आपको दिक्कत होगी, कस्टमर जो है जो जिनको जल्दी है, बाइक क्यों लोग बुक करते हैं? ताकि हम जल्दी पहुँचें। और आप स्लो जाइएगा, तो इसलिए जो है जब भी आप गाड़ी लेंगे आप जो है स्पीड जरूर चेक कर लें कि भाई स्पीड क्या है, क्योंकि इसको जो है स्पीड बढ़ाने के लिए मैं पता नहीं कितने जगह कॉल किया, साथ में जो गाड़ी दिलवाए थे उनके पास भी गए हम, लेकिन जो है गाड़ी की स्पीड अभी तक नहीं बढ़ी है। अब अभी भी हम इसके पीछे लगे हुए हैं कि भाई गाड़ी की जो है स्पीड बढ़ जाए। अब बात आ जाती है बैटरी की, बैटरी में चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है? आधा घंटा नंबर लगाना पड़ता है, यही बात है बस। अगर आप बैटरी चेंज करने की बात आती है, मतलब स्वैप करने की, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये स्वैप करने वाली, ये चार्ज करने वाली नहीं है, और जो उबर हो गया या रैपिडो हो गया या शायद पोर्टर हो गया, तो उनको जो है ये स्वैप वाली मतलब बैटरी वाली गाड़ी मिलती है। बाकी जोमेटो में जो है मैं देखा हूँ उसमें चार्ज करने वाली मिलती है। तो जहाँ पर बैटरी चेंज करने की बारी आती है, आपको जो है लोकेशन आपके फ़ोन पर जो है जो भी है जहाँ जहाँ बैटरी चेंज होती है सबका लोकेशन जो है आपको मिल जाता है, पर वहाँ पे जो है आधा घंटा कभी एक घंटा लग जाता है, क्योंकि वहाँ भी ट्रैफिक जाम होती है, लोगों का जो है भीड़ लगा हुआ रहता है। तो ये सब जगह होता है या कहीं कहीं होता है? कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं। मतलब सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं पे रिक्शे वाले हैं वो कहते तीन महीने, कोई कहता दो। हाँ, आप सबको पता होगा कि ई रिक्शा जो गाड़ी है वो भी आजकल चल रहा है, तो वो सब 3 या 4 लगाते हैं, तो उसमें भी जो है टाइम इस कारण जो, लेकिन सब जगह नहीं लगता है, कहीं कहीं पे लगता है। अब आती है बात कि भाई इस गाड़ी को लेने से फायदा क्या हुआ, मैंने कहाँ पे फायदा हमें है? तो सबसे पहली बात है कि अगर आप जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हैं, देखिए मैं सबसे पहली बात मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा है, आप सबको जो भी लोग नया लेना चाहते हैं, ज्वाइनिंग करना चाहते हैं जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उनको जो है ध्यान में रहे कि हमें क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, साथ में क्या फ़ायदा है।
देखिए फायदा है कि सबके पास जो है नई गाड़ी लेने का, जो पेट्रोल वाली गाड़ी है या जो बैटरी वाली गाड़ी चल रही है, दोनों का रेट एक ही चल रहा है, पता है सब महंगा है, तो अपने पास अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप 3,000 रुपया इसको दे करके आप गाड़ी को ले सकते हैं, आपको गाड़ी चलाने के लिए मिल गया, ओके। ये आपको फायदा है कि आपको जो है 20,000 या सेकेंड हैंड गाड़ी आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो फिर भी उसमें 30 या 40 हज़ार रुपया आपका लग जाएगा, तो वो जो है अपने पास नहीं है तो आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात कि पेट्रोल जो है आपका खर्चा नहीं होगा। पेट्रोल में कितना खर्चा हो जाएगा, पेट्रोल की गाड़ी मैं चलाता हूँ, अगर मैं 12 घंटा काम करता हूँ तो 300 साढ़े 300 का जो है पेट्रोल खर्चा होगा, लेकिन इसमें जो है सिर्फ 30 रुपये में जो है आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रेंट है, आपको पहले ही बताया कि 200 रुपये रेंट है, अगर 600 नीचे का काम करते हैं तो 200 रुपये रेंट है, 600 से ऊपर का काम करते हैं तो 30 रुपये रेंट है, तो हमारा 200-300 रुपया जो है ऐसे ही बच रहा है इस गाड़ी को चलाने से। अगर आपके पास पेमेंट है, पैसा है, तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ले सकते हैं जिसमें आपका पेट्रोल का बचत हो जाएगा। इनका जो है इनकम कितना हो पा रहा है, हम इनके फ़ोन में जो है ये ऊबर चला रहे हैं, ऐसे रैपडो भी इनका ज्वाइनिंग हो रखा है, तो कितना इनकम हो पा रहा है वो हम देखेंगे। चलिए एक बार मैं हाथ में फ़ोन ले लेता हूँ, ठीक है, तो हम आगे देखें 3 लाइन पे आने के बाद जो है आपको आ जाना है कमाई पे। कमाई पे आने के बाद जो है हम सी डिटेल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है दिखा रहा है कि 3 जुलाई से मैंने एक वीक का जो है 2403 रुपया अभी दिखा रहा है, जिसमें अभी 3 दिन बाकी है, तो इनका एक दिन का इनकम क्या आ जा रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि ये 7 घंटा लॉगिन है, 6 घंटा 42 मिनट, 9 ट्रिप लगा है, जिसमें इनका इनकम हुआ है 627 रुपया, जो आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है, ओके। अगर हम पूरे वीक का जाते हैं तो पूरे वीक में जो है बैक आ गए, मैंने ये 26 जून से 3 जुलाई का दिखा रहा है, जिसमें ये 4,485 रुपया कमाए हैं और इसमें 70 ट्रिप इनका लगा है। तो आप चाहें तो अपना टाइम को अगर बढ़ाइएगा, टाइम अगर हम जैसे इस पे वाले पे क्लिक कर देते हैं तो टाइम देखिए 9 ट्रिप लगा इनका 9-10 घंटा में, तो सारे दिन एक जैसा नहीं होता है। इसमें देखिए 646 रुपये का काम हुआ, जिसमें 7.5 घंटा ये काम किए हैं, 11 ट्रिप लगाए हैं, तो हमें लगता है कि अगर आप 12 घंटा काम करते हैं तो आपका जो है शायद 900 या 1,000 जो है या 8-8.5 जो है इनकम हो जाएगा, लेकिन सारे दिन एक जैसा नहीं होता है। और इनका जो है साथ में जो है रैपिडो का भी आईडी बन के मिल गया था, तो रैपिडो जो है नहीं चला रहे हैं। अगर आप दोनों एक साथ लॉगिन करेंगे तो शायद आपका ज़्यादा इनकम भी हो सकता है। एक बात और आ जाती है कि अगर गाड़ी हमारी ख़राब हो जाती है फिर हम क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे सरकार बताइए, गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो जीप ऐप से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मतलब जीप ऐप आपके पास जो है मिलता है उससे जो है आपको कस्टमर को जो है कंप्लेन करना पड़ेगा, कंप्लेन करने के बाद जो है फिर आपकी जो है मतलब कितने अभी तक जो है इनका गाड़ी ख़राब नहीं हुआ है तो 3-4 घंटा लग जाता है आने में, और उसके बाद जो बनाएंगे उनका जो है आपको फीस देना पड़ेगा, 150-200 रुपया लग जाता है, क्योंकि इस गाड़ी को बनाने के लिए आप कोई भी कारीगर के पास चले, हाँ पंचर आपका बन जाएगा, लेकिन एज ए इंजन कुछ ख़राब होता है इसमें जो भी है, तो वो बनाने के लिए आपको कस्टमर केयर को जो है बुलाना पड़ेगा, कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद वो कितना देर में आते हैं, ऐसा अभी तक ऐसा कोई दिक्कत आया नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सबको जो है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।